हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मोहिती, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। दोस्तों, LHB एसी कोच के अंदर एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडी मौसम में हीटर यूज होता है। आज ये हीटर कैसे काम करता है वो जानेंगे, एंड इसकी प्रोटेक्शन नेटवर्क द्वारा आग और फायर कैसे अवॉइड होता है उसके विषय में भी डिटेल चर्चा करेंगे। ये है LHB एसी कोच। हर कोच की हर एंड में छत के ऊपर थ्री फेज हीटिंग कॉइल रहता है। NPP और नॉन पावर प्लान एंड PP और पावर प्लान एंड की हीटिंग कॉइल अलग 415 वोल्ट एसी नेटवर्क एंड 110 वोल्ट DC कंट्रोल नेटवर्क से ऑपरेट होता है। हर हीटिंग कॉइल एलिमेंट 400 वाट करके है। ऐसे 5-2 हीटिंग कॉइल एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड रहता है एंड एक यूनिट बनता है। हर यूनिट का टोटल वाटेज होता है 400 × 5 W = 2000 W और 2 kW। ऐसे 2 kW करके 3 सेट ऑफ यूनिट रहता है। ये 3 यूनिट आपस में ऐसे कनेक्टेड है R1 टर्मिनल के साथ B2 टर्मिनल, R2 टर्मिनल के साथ Y1 टर्मिनल एंड फाइनली Y2 टर्मिनल के साथ B1 टर्मिनल, जस्ट लाइक डेल्टा। होल यूनिट के साथ थ्री फेज नेटवर्क ऐसे कनेक्टेड है। तो डेल्टा कनेक्टेड हीटिंग यूनिट का टोटल वाटेज होता है 2 kW × 3 = 6 kW एंड कोच को गर्म करने के लिए टोटल 6 kW × 2 = 12 kW का हीटर यूज होता है। हर कोच की छत पर इस लोकेशन में हीटिंग कॉइल रहता है एंड उसकी कवर ऐसे ओपन किया जाता है। छत पर हर एंड में 6 kW का यह है हीटिंग कॉइल यूनिट एंड यह है 400 वाट का हीटिंग कॉइल एलिमेंट। नॉन पावर प्लांट तरफ 415 वोल्ट पावर, K44 कॉन्टैक्टर, हीटर 1 MCV, K35 कॉन्टैक्टर, पैनल टर्मिनल, रूफ टर्मिनल एंड एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच द्वारा हीटर यूनिट में पहुंचता है। सिमिलरली पावर प्लांट तरफ 415 वोल्ट पावर, K44 कॉन्टैक्टर, हीटर 2 MCV, K40 कॉन्टैक्टर, पैनल टर्मिनल, रूफ टर्मिनल एंड एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच द्वारा हीटर 2 यूनिट में पहुंचता है। नॉन पावर प्लांट तरफ हीटर यूनिट के लिए ये है हीटर 1 MCV। यह है K35 कॉन्टैक्टर। यह है 415 वोल्ट AC पावर की पैनल टर्मिनल एंड यह है 415 वोल्ट AC पावर की रूफ टर्मिनल एंड यह है एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच। पावर प्लांट तरफ हीटर यूनिट के लिए यह है हीटर 2 MCV एंड यह है K40 कॉन्टैक्टर। एंड ये है एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच। कितना टाइम तक हीटर चालू रहता है ये कोच के अंदर या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोच या टेम्परेचर जब 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब हीटिंग कॉइल में 415 वोल्ट पावर पहुंच जाता है एंड कोच या टेम्परेचर जब 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब हीटिंग कॉइल में पावर सप्लाई बंद हो जाता है। ये पूरा काम 110 वोल्ट DC कंट्रोल नेटवर्क द्वारा होता है एंड कंट्रोल नेटवर्क में मेन कंट्रोलर है माइक्रोप्रोसेसर यूनिट एंड एसोसिएटेड यूनिट है ओवरहीट प्रोटेक्टर और OHP। इसका दो अलग पार्ट होता है, थर्मल सेंसर
एंड कटआउट और थर्मल स्विचिंग यूनिट। कंट्रोल नेटवर्क में यह है नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लोअर मोटर 1 ओवरलोड रिले एंड ये है 110 वोल्ट डीसी मैग्नेटिक कॉइल ऑफ K35 कॉन्टैक्टर। सिमिलरली ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लोअर मोटर 2 ओवरलोड रिले एंड 110 वोल्ट डीसी मैग्नेटिक कॉइल ऑफ K40 कॉन्टैक्टर। ये है माइक्रोप्रोसेसर, ये है थर्मल सेंसर ऑफ OHP एंड ये है थर्मल स्विचिंग यूनिट ऑफ OHP एंड ये है नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लोअर मोटर 1 ओवरलोड रिले एंड ये है नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लोअर मोटर 2 ओवरलोड रिले। ये है A1 एंड A2 मैग्नेटिक कॉइल टर्मिनल ऑफ K35 कॉन्टैक्टर। फाइनली ये है A1 एंड A2 मैग्नेटिक कॉइल टर्मिनल ऑफ K40 कॉन्टैक्टर। एसी कॉम्पैक्ट MCB ऑन मोड में रहने से 110 वोल्ट डीसी पावर OHP डिवाइस की इनकमिंग तक अवेलेबल होता है एंड ये पावर कंटिन्यू होता है तब जब हीटर के नज़दीक या टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है एंड फाइनली माइक्रोप्रोसेसर की टेम्परेचर हीटर OK टर्मिनल में ऐसे पहुंचता है एंड कोच या टेम्परेचर जब 19 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है तब माइक्रोप्रोसेसर की ये दो टर्मिनल से 110 वोल्ट डीसी पावर निकलता है एंड संग संग K35 एंड K40 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है। पहले से K35 एंड K40 कॉन्टैक्टर की इनकमिंग में 415 वोल्ट AC पावर अवेलेबल है सो मैग्नेटिक कॉइल चार्ज के साथ कॉन्टैक्टर की मेन कॉन्टैक्ट ऐसे क्लोज होता है एंड 3-phase पावर द्वारा हीटर कॉइल एक्टिव होता है। ऐसे NPPN तरफ हीटर यूनिट। एंड PPN तरफ हीटर यूनिट भी ऐसे एक्टिव होता है। आंख से बचने के लिए हीटर के साथ 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बैरियर है। फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कंट्रोल होता है माइक्रोप्रोसेसर द्वारा क्योंकि कोच या टेम्परेचर जब 21 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है तब हीटर कॉइल इनएक्टिव हो जाता है माइक्रोप्रोसेसर द्वारा। सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कंट्रोल होता है OHP द्वारा क्योंकि हीटर कॉइल के नज़दीक या टेम्परेचर जब 65 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है तब हीटर कॉइल इनएक्टिव हो जाता है OHP द्वारा। थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कंट्रोल होता है एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच विथ ESTi कार्टिज द्वारा क्योंकि हीटर कॉइल के नज़दीक या टेम्परेचर जब 130 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है तब हीटर कॉइल इनएक्टिव हो जाता है ESTi कार्टिज द्वारा। सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टाइप एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच में प्रोब के अंदर ESTi कार्टिज यूज होता है। ये बेसिकली ए स्मॉल स्फेरिकल ग्लास बल्ब फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव फ्लूइड। 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बल्ब की इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है संग संग बल्ब डिस्ट्रॉय होता है
जिसके कारण प्रोब के अंदर स्प्रिंग टेंशन रिलीज होता है एंड हीटिंग कॉयल की थ्री फेज पावर सप्लाई कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है। सर्विस के पहले हर कोच में थ्री लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की काम ठीक से हो रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। फर्स्ट वन माइक्रोप्रोसेसर। मान लीजिए ठंडी मौसम में कोच के अंदर एयर टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, सो मैनुअली कंप्रेसर एंड कंडेंसर यूनिट चला के कोच के अंदर एयर टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाना है एंड माइक्रोप्रोसेसर यूनिट चालू करना है। नेक्स्ट देखना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड कोच एयर टेम्परेचर में K35 एंड K40 कॉन्टैक्टर ओपन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड वन OHP 110 वोल्ट DC पावर ऑफ करके थर्मल ऑपरेटेड स्विच की दो टर्मिनल में कंटिन्यूटी टेस्टर पकड़ना है, संग संग टेस्टर की लाइट भी जलना चाहिए। नेक्स्ट ओवरहीट सेंसर के नज़दीक कैंडल द्वारा एयर टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है। इस कंडीशन में टेस्टर की लाइट बंद हो जाना चाहिए, मतलब OHP ओके है। OHP डिवाइस टेस्टिंग की और एक उपाय है, ब्लोअर मोटर की ओवरलोड रिले गिरा के इसकी नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऐसे बाईपास करना है। नेक्स्ट माइक्रोप्रोसेसर में टेम्परेचर हीटर ओके टर्मिनल एंड हीटर ऑन टर्मिनल ऐसे बाईपास करना है, इससे K35 कॉन्टैक्टर ऑन होता है एंड NPPN तरफ हीटर कॉइल एक्टिव होता है। K40 कॉन्टैक्टर द्वारा PPN तरफ हीटर कॉइल एक्टिव होता है ऐसे। ब्लोअर मोटर बंद है इसीलिए हीटर कॉइल के नज़दीक एयर टेम्परेचर हीटर स्टार्टिंग के बाद मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर 65 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है। सो मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर OHP डिवाइस द्वारा हीटर कॉन्टैक्टर ओपन होना चाहिए, ऐसा हो रहा है मतलब OHP ओके है। NPPN तरफ OHP टेस्टिंग के समय ऊपर वाला ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले की ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बाईपास करना चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर में ये दो कॉन्टैक्ट बाईपास करना चाहिए एंड K35 कॉन्टैक्टर पकड़ना चाहिए। PPN तरफ OHP टेस्टिंग के समय नीचे वाला ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले की ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बाईपास करना चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर में ये दो कॉन्टैक्ट बाईपास करना चाहिए एंड K40 कॉन्टैक्टर पकड़ना चाहिए। थर्ड वन एक्सेस टेम्परेचर प्रोटेक्टर स्विच विथ ESTi कार्टेज यूनिट। इसकी पहले सप्लाई पावर कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोब के अंदर ESTi कार्टेज बाल्ब है कि नहीं वो देखना चाहिए। बाल्ब में कोई क्रैक है कि नहीं वो थोड़ा हीट देने के समय लिक्विड लीकेज से पता चलता है। कोई लीकेज नहीं है मतलब ESTi ओके है। आज यही ख़त्म कर रहा हूँ और एक दिन LHP ट्रेन के ऊपर दूसरा सब्जेक्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए एंड चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।